हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे भोजन के पाचन में काम आने वाले ऑर्गन्स के बारे में, जिसमें लास्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था स्टोमक या आमाशय। स्टोमक या आमाशय में हम लोगों ने बता दिया था जो स्टोमक होता है या जो आमाशय होता है वो जे आकार की संरचना होती है या जे शेप की संरचना होती है, जिसमें विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं जिसके द्वारा भोजन का पाचन होता है। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने बता दिया था कि जो स्टोमक जो पोर्शन होता है इसमें 1 से 3 लीटर भोजन को स्टोर किया जा सकता है और यह एक लचीला अंग होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्टोमक के पार्ट्स के बारे में या आमाशय के पार्ट के बारे में। या आमाशय, जो आमाशय होता है वो डिवाइड होता है इनटू 3 पार्ट्स। कितने भागों में डिवाइड होता है भाई? 3 भागों में विभक्त होता है। कौन कौन सा? फर्स्ट जो पार्ट होता है वो होता है कार्डियक भाग या जठरागम भाग। फर्स्ट कौन सा होगा? कार्डियक या जठरागम भाग। सेकंड है जठर निर्गमी भाग। और थर्ड जो होता है वो होता है फंडिस भाग। कौन कौन से में डिवाइड होगा भाई? जठरागम, जठर निर्गमी और फंडिस भाग में क्या होता है डिवाइड। तो आज हम पढ़ेंगे इन पार्ट्स के बारे में। तो स्टोमक जो होता है वो कितने भागों में डिवाइड है भाई? 3 में। कौन कौन सा? कार्डियक या हम लोग बोल सकते हैं जठरागम भाग, सेकंड है जठर निर्गमी भाग, जठर निर्गमी भाग, और थर्ड है फंडिस या फंडस भाग। फंडिस क्लियर है? अब हम फर्स्ट पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट जो पार्ट है हमारा कार्डियक या जठरागम भाग। जो कार्डियक भाग होता है यह बायां भाग होता है। किस साइड में अरेंज होता है? कौन सा साइड होती है ये? लेफ्ट साइड। ठीक है, यह बायां भाग होता है। और स्टोमक का जो सबसे बड़ा जो पार्ट होता है वो भी कौन सा होता है? कार्डियक पार्ट होता है। ठीक है, इस भाग में जो ग्रसिका होती है वो आमाशय में क्या करती है? प्रवेश। तो ग्रसिका का हम लोग बोल सकते हैं प्रवेश द्वार। ग्रसिका कहाँ प्रवेश करती है? आमाशय में। ठीक है, तो ग्रसिका का जो प्रवेश होगा वो कहाँ से होगा? आमाशय भाग से होगा। ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं इट इज द फर्स्ट पोर्शन। ये कैसा भाग है? प्रथम भाग है। किसका? स्टोमक का। अब हम बात करेंगे सेकंड जठर निर्गमी भाग की। तो जो जठर निर्गमी भाग होता है यह है आमाशय का दायां भाग होता है। कैसा भाग होता है? दायां भाग होता है। और अगर आकार की बात करें तो ये आकार में होता है कैसा? छोटा। ठीक है, आकार में छोटा होता है और ये आमाशय छोटी आंत से जुड़ता है। ये जो भाग होता है आगे चलकर भी ऑल ऑफ दैट हम लोग सिक्वेंस से पढ़ रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल के ऑर्गन्स के बारे में। तो जो स्टमक के बाद कौन सा पार्ट पढ़ेंगे हम लोग एलिमेंट्री कैनाल का? स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत्र। तो जो छोटी आंत से जो जुड़ा हुआ भाग होता है वो कौन सा पार्ट होता है? जठर निर्गमी भाग। तो हम लोग बोल सकते हैं छोटी आंत से जुड़ा भाग। क्लियर है? अब हम बात करेंगे थर्ड। थर्ड क्या है? फंडिस भाग। जैसा कि नाम है फंडिस भाग, जो फंडिस पार्ट होता है वो कार्डियक और जठर निर्गमी जो भाग होता है उसके मध्य का भाग होता है। ठीक है, इन दोनों का जो मध्य भाग होता है वो कौन सा होता है भाई? फंडिस भाग होता है। जठर निर्गमी भाग अंतिम भाग होता है किसका? स्टोमक का। जबकि जठरागम जो भाग होता है वो प्रथम भाग होता है। मध्य भाग की अगर हम बात करें तो मध्य भाग कौन सा होता है? फंडिस भाग।
ठीक है, यह मध्य भाग होता है और आमाशय में पाए जाते हैं। दो अवरोधनी कपाट, कैसे पाए जाते हैं? दो अवरोधनी कपाट पाए जाते हैं। इनका जो मुख्य कार्य है स्फिनेक्टर, क्या बोलते हैं? नहीं, स्फिनेक्टर बोलते हैं, जैसा कि नाम है अवरोधनी, तो क्या करेंगे? अवरोध करेंगे। किसका अवरोध करेंगे? अब सिंपल सी बात है भाई, स्फिनेक्टर का जो फंक्शन होता है वो यह होता है फूड को रिवर्स होने से रोकना। फूड को क्या होने से? रिवर्स, कि वापस से भोजन ग्रसिका भाग में ना चला जाए, तो उसको रोकने का जो कार्य करता है वो कौन करेंगे? अवरोधनी जो होते हैं वो करते हैं। इसी प्रकार छोटे आत्र में भी बिना पाचित के या कुछ परसेंट जो एसिड है वो मिक्स नहीं हो तब तक इस भोजन को छोटी आंत में जाने से रोकने का भी जो कार्य किया जाता है वो इन अवरोधनी के द्वारा किया जाता है। क्लियर है? तो इसमें कितनी अवरोधनी पाई जाती है? दो अवरोधनी पाई जाती है, या दो स्फिनेक्टर। किसमें? आमाशय में। आमाशय में दो स्फिनेक्टर या अवरोधनी क्या होती है? प्रेजेंट होती है। ठीक है, इनका जो मुख्य कार्य होता है भोजन सामग्री के पारगमन को नियंत्रित करती है। क्या करेगी? भोजन सामग्री के पारगमन पर नियंत्रण। क्लियर है? अब दो स्फिनेक्टर में जो फर्स्ट स्फिनेक्टर होता है वो होता है ग्रास नली का अवरोधनी। फर्स्ट है ग्रास नली का अवरोधनी, जैसा कि नाम है ग्रास नली का अवरोधनी, तो ये जो अवरोधनी होती है ग्रसिका व आमाशय को विभाजित करती है। नाम ही क्या है? ग्रास नलिका। सिंपल सी बात है, ग्रास नलिका जो फर्स्ट पोर्शन होता है वो किसके द्वारा जुड़ा हुआ है? स्टमक का, ग्रसिका के द्वारा। ठीक है, तो ये भाग जो होती है वो किस किस को विभक्त करती है? ग्रसिका व आमाशय को, और आमाशय से अम्लीय भोजन को क्या कर वापस से जाने से क्या करती है? रोकती है। ग्रसिका व आमाशय को क्या कर रही है? आमाशय को विभक्त करती है। ठीक है, और ग्रसनी में या ग्रसनी ग्रसिका में अम्लीय भोजन को जाने से रोकने का जो कार्य करती है वो भी कौन करती है? ग्रास नली का अवरोधनी। क्लियर है? सेकंड है जठर निर्गमीय अवरोधनी। जठर निर्गमीय अवरोधनी, सेकेंड स्फिनेक्टर कौन सा है भाई? जठर निर्गमीय अवरोधनी। इसका जो फंक्शन होता है यह जो होगी आमाशय के बाद कौन सा पोर्शन आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन से आएगी? स्मॉल इंटेस्टाइन, या हम लोग बोल सकते हैं छोटी आंत। तो यह जो अवरोधनी होती है वो विभाजित करती है किसको? आमाशय व छोटी आंत को। किस किस को विभक्त करेगी? आमाशय व छोटी आंत को विभक्त करती है, और आमाशय से छोटी आंत में भोजन को जाने से नियंत्रण करती है। ठीक है, आमाशय से छोटी आंत में भोजन के नियंत्रण भोजन को नियंत्रित करती है। ये किसका कार्य है? जठर निर्गमीय अवरोधनी का। इतना क्लियर है? तो ये हमारा जो पार्ट्स ऑफ स्टोमक है वो कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, या छोटी आंत के बारे में। तो नेक्स्ट एलिमेंट्री कैनाल का जो ऑर्गन है वो क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, या हम लोग बोल सकते हैं छोटी आंत। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, भोजन का जो मेन डाइजेशन होता है या जो मुख्य रूप से जो पाचन होता है वो कहाँ पर होता है? इन स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत में।
इसलिए एलिमेंट्री कैनाल का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो कौन सा है? छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो भाग होता है वो आमाशय की जठर निर्गमी भाग के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। कौन से भाग से जुड़ा हुआ होता है? आमाशय की जठर निर्गमी भाग द्वारा। क्लियर है? आमाशय के जठर निर्गमी भाग द्वारा जुड़ा हुआ भाग होता है, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में बता दिया था, सॉरी लास्ट स्टोमेक वाले पार्ट में बता दिया था। इसकी जो औसत लंबाई होती है इन ह्यूमन वो होती है अबाउट 7 मीटर। इसकी जो लेंथ की बात करें तो इसकी अबाउट लेंथ जो होती है अबाउट कितनी होती है? 7 मीटर या 7 मीटर होती है। इतना क्लियर है? 7 मीटर। भोजन का जो सर्वाधिक पाचन होता है वो किसके द्वारा होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा होता है। इसी के साथ साथ भोजन का जो सर्वाधिक अवशोषण होता है वो भी कौन से भाग के द्वारा होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन द्वारा। भोजन का सर्वाधिक पाचन वह अवशोषण कहाँ से होगा भाई? स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा। क्लियर है? जो स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट होता है वो भी 3 भागों में डिवाइड होता है। कितने भागों में डिवाइड है स्मॉल इंटेस्टाइन? 3 भागों में। कौन कौन सा? फर्स्ट जो है वो है अपनी ड्यूडेनम या ग्रहणी। ग्रहणी इंग्लिश में बोलते हैं, ड्यूडेनम। सेकंड जो पार्ट होता है वो होता है अग्र छुद्रांत या जेजुनम। अग्र छुद्रांत। और जो थर्ड पार्ट होता है वो होता है हमारा इलियम या छुद्रांत। इलियम या छुद्रांत। अब हम एक एक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या है अपना? ड्यूडेनम पार्ट। जो ड्यूडेनम पार्ट होता है यह है आमाशय से जुड़ा हुआ भाग होता है। किससे जुड़ा हुआ भाग होता है भाई? आमाशय से। क्लियर है? सिंपल सी बात है, आमाशय लास्ट ऑर्गन है, उसके बाद नेक्स्ट ऑर्गन क्या था? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आमाशय से जो जुड़ा हुआ जो फर्स्ट भाग होगा वो कौन सा होगा? ड्यूडेनम या ग्रहणी। क्लियर है? सिंपल सी बात है, आमाशय से जुड़ा हुआ भाग है तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट होगा वो भी कौन सा होगा? ड्यूडेनम या ग्रहणी। इतना क्लियर है? ये भोजन के रासायनिक पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब जो ड्यूडेनम पार्ट होता है इसमें विभिन्न प्रकार के क्या पाए जाते हैं? एंजाइम्स की मात्रा जो सर्वाधिक पाई जाती है वो किस में पाई जाती है? ड्यूडेनम पार्ट में। ठीक है, एंजाइम पाचन किसका? भोजन का। सबसे ज्यादा किस में होगा? ड्यूडेनम में। क्लियर है? आमाशय का प्रथम भाग है ड्यूडेनम, सॉरी आमाशय से जुड़ा भाग। ठीक है, किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का जो प्रथम भाग है वो कौन सा है? ग्रहणी है। और इसमें एंजाइमेटिक जो डाइजेशन होता है भोजन का वो कहाँ होता है? ड्यूडेनम पार्ट में। क्लियर है? सेकंड अगर हम बात करें, सेकंड अपना जेजुनम। तो जो जेजुनम पार्ट है यह है छोटी आंत का मध्य भाग है। कौन सा भाग है भाई? मध्य भाग है। भोजन का जो सर्वाधिक अवशोषण जो होता है, ठीक है, यह भोजन का सर्वाधिक जो अवशोषण का जो कार्य होता है वो कहाँ पर होता है? जेजुनम में। भोजन का सर्वाधिक क्या होगा यहाँ पर? अवशोषण। कौन से भाग में भाई? जेजुनम भाग में। ठीक है, इसमें छोटी छोटी माइक्रोविलाई या सूक्ष्मकूर पाए जाते हैं जिसके द्वारा भोजन के अवशोषण की जो सरफेस होती है वो बढ़ जाती है। इसलिए भोजन का जो सर्वाधिक अवशोषण होगा वो कौन से भाग में होगा? जेजुनम भाग में। अगर हम बात करें
थर्ड पोर्शन की, इलियम की। तो इलियम जो होता है वह अंतिम भाग होता है किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या है? अंतिम भाग। सिंपल सी बात है, अंतिम भाग है। नेक्स्ट ऑर्गन आएगा वो कौन सा आएगा? एलिमेंट्री कैनाल का लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ जो भाग है वो कौन सा होता है? इलियम भाग होता है। इस भाग में विभिन्न प्रकार के बाइल जूस या पित्त लवण पाए जाते हैं। पित्त वर्णक पाए जाते हैं। क्लियर है? तो ये था हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन।